वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि शॉपी में ऑर्डर को प्रोसेस कैसे चेक करा जाता है। प्रोसेसिंग से मेरा मतलब है कि ऑर्डर कंफर्म करेंगे और उसके जो प्रिंटिंग लेबल्स हैं वो प्रिंट करना भी सीखेंगे और ऑर्डर को पैकिंग और लेबलिंग भी सीखेंगे, मतलब शॉपी के हिसाब से। ये तो सबसे पहले आपको अपने सेलर के डैशबोर्ड पर आना है लॉगिन करके। इसके बाद यहाँ पे आपको माय ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ माय ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक टू शिप का ऑप्शन है, आपको टू शिप पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। एक तो ये है ऑल ऑर्डर्स। इस ऑल ऑर्डर्स में क्या होता है, सारे ऑर्डर्स आते हैं इसमें, कि जो ऑर्डर्स आए हैं, जो कैंसिल हो गए, या फिर जो शिप्ड हो, जिसकी शिपिंग हो गई है शुरू, या जो भी है, ऑल ऑर्डर्स। ठीक है ना, इसमें आते हैं अनपेड ऑर्डर्स जिनका पेमेंट अभी हुआ नहीं है। इस टू शिप में आते हैं वो ऑर्डर्स जो आपको शिप करने हैं, जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आता है शिपिंग। इसमें क्या होता है, जो ऑर्डर्स आपने शिप कर दिए हैं, मतलब कुरियर वालों को दे दिए हैं शिपिंग के लिए, इसमें होता है कंप्लीटेड ऑर्डर्स, मतलब जो ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये कैंसिलेशन वो ऑर्डर होते हैं जो आपके कैंसिल हो चुके हैं किसी ना किसी वजह से, जो भी हो, या बायर ने कैंसिल कर दिए। और रिटर्न और रिफंड आप जानते ही हैं, मतलब कि जब कोई कस्टमर रिटर्न करता है, रिफंड करता है, इसमें वो ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर को प्रोसेस करना है तो माई ऑर्डर्स पे आके टू शिप पे क्लिक करेंगे। टू शिप पे क्लिक करने के बाद यहाँ टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस्ड तो वो होते हैं जो हमने प्रोसेस कर दिए हैं, कन्फर्म कर दिए हैं जो ऑर्डर। ठीक है, और टू प्रोसेस होते हैं जो हमें प्रोसेस करने हैं, मतलब कि कन्फर्म करने हैं अभी। ठीक है ना, तो अभी आप देख सकते हैं ये टू प्रोसेस में दो ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसमें से आपको एक ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाता हूँ और उसका पूरा पैकिंग वैकिंग की पूरी प्रोसेस करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ऑर्डर्स की डिटेल दी होगी क्या ऑर्डर है, और इसमें आपको दिया होगा शिपिंग की तारीख। जैसे मान लिया 16 है, इसमें दिया 18, इसमें कह रहा है आपको 18 तारीख तक इसका ऑर्डर को अरेंज पिकअप करना है। ठीक है, तो ये है इस वक्त ये ऑर्डर है। आप इसको प्रोसेस करने के लिए क्या दबाएंगे, अरेंज पिकअप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने आपको तारीख दे दी है बाय डिफॉल्ट, ये भाई तारीख है, ये कुरियर है, डिलीवरी वाले लेने आएंगे, अगर ये ई कॉम एक्सप्रेस लिखा होगा तो वो लेने आएंगे। ठीक है, डिलीवरी वाले हैं, ये तारीख दी हुई है कि 17/12 को आएंगे, 17 दिसंबर को। ठीक है, और ये आपका पिकअप एड्रेस दिया हुआ होगा, ठीक है, जो आपने डाला हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कन्फर्म पे दबा देना है, पुष्टि करे लिखा है ना जो, ये कन्फर्म, इस पर दबा देना है। कन्फर्म पे दबाने के बाद थोड़ा वेट करेंगे जब तक यहाँ पर नंबर लिखा नहीं आता, ट्रैकिंग का नंबर। आप देख सकते हैं ट्रैकिंग का नंबर लिखा आ गया है। जब ट्रैकिंग का नंबर लिखा आ जाए, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, प्रिंट वे बिल एंड इनवॉइस, इस पर ऐसे क्लिक करना है। अब दोस्तों ये शिपिंग के लेबल्स लोड हो रहे हैं जो कि आपको डाउनलोड करके लगाना है। इस तरीके से लोड होके ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें दी हुई होंगी, एक तो ये वाला, जिसमें क्या होगा कि आपको ये वाला पार्ट जो है दो पेजेस होंगे, ये ऊपर लगाना है। ठीक है, मतलब कि चुपकाना है ऊपर की तरफ, और एक नीचे है, ये बिल होगा, ये समझ रहे हैं आप, ये बिल होगा, इसको आपको अंदर डालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये प्रिंट द डॉक्यूमेंट दबाएंगे, जैसे मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे बिल्कुल। प्रिंट डॉक्यूमेंट दबाने के बाद आपका प्रिंटर वगैरह सब आ जाएगा, इसको ब्लैक एंड वाइट ही रखें, और मोर सेटिंग्स पर जाएंगे, और यहाँ पे लिखा है पेजेस पर शीट, तो पेजेस पर शीट पे 1 है, इसको 1 की जगह 2 दबा कर देंगे। ठीक है, अब 2 कर देंगे, फिर आपका एक पूरा पेज ये एक प्रिंट होके आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, बीच में से काटना होगा इसको। ठीक है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे करते हैं, बीच में से काटेंगे, और जो ये बिल वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको आप अंदर डालेंगे फोल्ड करके, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये जिस पर बार कोड लगे हुए हैं, दो दो बड़े बड़े बार कोड, या चिपकाएंगे पैकेट के ऊपर। ठीक है, अब प्रिंटआउट निकालने के बाद ये इस तरीके से एक पेपर आएगा, जिसका बार कोड वाला साइड हमें ऊपर की तरफ चिपकाना है और बिल वाला साइड अंदर की तरफ रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिल है, मैंने इसको मोड़ लिया इस तरीके से,
और मैंने इसको अंदर डाल दिया। इसके बाद जो जो भी प्रोडक्ट है वो मैंने लिया और उसको भी अंदर डाल दिया इस तरीके से। और ये इस तरीके से हटाया, उसको लगा दिया। अब जो बारकोड वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर लगाना है। मैंने इसको लगा दिया और ये प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई ऑर्डर की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।